जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ अक्षरा सिंह भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह धमाल मचा रही हैं बिग बॉस के घर के अंदर, बिग बॉस ओटीटी के अंदर अपनी पकड़ दिखा रही हैं, अपनी स्ट्रांग एटीट्यूड को दिखा रही हैं और वो बेसिकली इमेज चेंज करना चाहती हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस का एमएमएस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आइए आपको पूरा माजरा बताता हूं, पूरा किस्सा बताता हूं कि क्या हुआ है ये। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, मुझे वहां पर फॉलो करें। दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है और बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट भी लेकर आती है। ऐसे में रिसेंटली जब वो घर के अंदर जा रही थी एक्ट्रेस यानी कि अक्षरा सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ना छवि बदलना चाहती हूँ। लोग जो है इसे बहुत सोचते हैं कि ये चोली घाघरे का ही है, इसमें वल्गर अश्लील गानों का इस्तेमाल होता है, मैं इन सबको बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये दिखाना कि नहीं देखो भाई, हमारा भी एक अलग कल्चर है, अलग स्टैंडर्ड है और हम भी किसी से कम नहीं है। ऐसे में अक्षरा तो घर के अंदर धमाल मचा रही है, वहीं भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तरीशा करमाधु, इनका एक एमएमएस जो है वो लीक हो गया है दोस्तों। जी हाँ, इनका एमएमएस लीक हो गया है और आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। वो कहती हैं कि खुदा सब देखता है, मुझे गिराने के लिए मेरे प्राइवेट वीडियोस वायरल कर दिए हैं। आपकी सिस्टर के साथ कोई शादी करके और अगले दिन सुहागरात का वीडियो वायरल कर दे तो बढ़िया लगेगा ना। बिहार में इतना घटिया कुछ लोग भी होते हैं, ये नहीं जानती थी। और बेचारी ने अपना दुख जाहिर किया है। यहाँ पर यही नहीं, इनफैक्ट अक्षरा सिंह ने अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने धमकी दी है कि वो उसके कुछ न्यूड फोटोज हैं शायद, तो उनको लीक कर देगा। अब वो कौन है क्या है मुझे नहीं पता, सीरियसली इतना ज्ञान नहीं है कि मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ चीज़ें बता सकूं, लेकिन हाँ इतना कहता हूँ कि सिनेमा बदलेगा और एक अच्छा दौर ज़रूर आएगा। आपको क्या है कहना कमेंट करके ज़रूर बताएं।